बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे शास्त्र बहुत पुराने समय से कह रहे हैं कि जैसा होगा आहार वैसे होंगे विचार, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो आहार का आपके विचारों से गहरा संबंध है, और किस तरह का आहार हमें रखना चाहिए आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में आहार की भूमिका क्या है। देखिए, जीव की मुख्य रूप से चार आवश्यकताएं हैं। कोई भी जीव हो उसकी चार जरूरतें जरूर होंगी। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चारों हर जीव के अंदर पाया जाता है, और इसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आहार। आहार से निर्माण और विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं भोजन नहीं करूंगा फिर भी मैं जिंदा रहूंगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप भले ही खाद्य पदार्थों से आहार ग्रहण ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको ऊर्जा लेनी होगी। जैसे प्राचीन काल में ऋषि मुनि सूर्य के प्रकाश से और वायु से ऊर्जा ग्रहण करते थे। बिना ऊर्जा के जीवन के लंबे समय तक की कल्पना नहीं की जा सकती। अब जानते हैं कि जो हमारा आहार है, जो हम खाते हैं, वो हमारे ऊपर असर कैसे डालता है। शरीर के मानसिक स्तर का जो निर्माण है, आपके मन का जो निर्माण है, वो अलग अलग कोशों से होता है। इसमें एक कोश होता है, इसमें एक लेवल होता है अन्नमय कोश का। इस कोश की शुद्धि के बिना आप मन की शुद्धि तक नहीं पहुंच सकते। आहार से ही हमारी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और फिर उन्हीं कोशिकाओं से हमारे शरीर में रस जाता है, हार्मोन जाता है, और ये हार्मोन हमारे सोच और विकास पर असर डालता है। जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं, उसी तरह का व्यवहार और विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है। अब जानते हैं कि कौन से आहार को, कौन से खाने पीने को हम सात्विक नहीं कह सकते। देखिए, प्याज लहसुन सात्विक नहीं है, सरसों का साग और मशरूम भी सात्विक नहीं है, मांस मछली मादक पदार्थ भी सात्विक नहीं है, डब्बा बंद खाद्य पदार्थ भी सात्विक नहीं है, और बासी खाना भी सात्विक नहीं होता। किन चीजों को हम सात्विक आहार की श्रेणी में रखते हैं? सभी प्रकार के अनाज और दाल सात्विक हैं, दूध और इससे निर्मित पदार्थ भी सात्विक हैं, सभी प्रकार की सब्जियां, फल और मेवे भी सात्विक माने जाते हैं। अब जानते हैं आपके स्वभाव के हिसाब से आपको किस तरह का आहार ग्रहण करना चाहिए। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, तो क्या खाएंगे? गुड़ और मीठी चीजें खाइए, रोटी खाइए, बासी खाने से परहेज करिए। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं, तो प्याज लहसुन और मांस मदिरा मछली से परहेज करिए। अगर आपको छोटी छोटी बात पर तनाव हो जाता हो, तनाव पालते हो, तो दूध और दूध से बनी चीजें ग्रहण करिए। मशरूम और कंद जैसे आलू, ये ना खाएं तो अच्छा होगा। अगर आप शरीर से परेशान हैं, ज्यादा बीमार रहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सब्जियां खाएं, अनाज कम खाएं। अगर आपके मन में बुरे विचार, अश्लील विचार, नकारात्मक विचार ज्यादा आते हों, तो मांस मछली प्याज लहसुन ना खाएं, मसूर की दाल से भी परहेज करें। तो आज हमने आहार के हिसाब से आपके विचार की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप खेल कूद के क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, सलाह लेकर के एक मूंगा या एक पन्ना धारण करें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।